उन्नाव में 9 साल की मासूम से रेप व हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था। वहीं रायबरेली में भी 6 साल की मासूम से रेप की घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। नाबालिग की चीख पुकार सुनकर गाँव वालों ने किसी तरह मासूम को बचा लिया और आरोपी को भी मौके पर पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं नाबालिग की हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी को जरा गौर से देखिए, ये कोई आम आरोपी नहीं है बल्कि 6 साल की मासूम से रेप जैसी घिनौनी हरकत करके उसे मौत के मुंह में पहुंचा देने वाला दरिंदा है। पूरा मामला हरचंद्रपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी हरदासपुर गाँव का है। 16 मार्च को नाबालिग के परिजनों ने हरचंद्रपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि मिलेरिया थाना क्षेत्र के देवानंदपुर निवासी ध्यानचंद्र उनकी बेटी को टॉफी बिस्किट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और पास के जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। लड़की के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। सीओ गोपीनाथ सोनी ने बताया कि हरचंद्रपुर थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम के साथ रेप की घटना हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आरोपी गिरफ्तार हुआ है, क्या है पूरा मामला? हरचंद्रपुर में 6 वर्षीय युवती के साथ एक व्यक्ति ने दुराचार किया था, जिसको हरचंद्रपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा।